ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में बूलियन अलजेब्रा और उससे रिलेटेड टर्म्स डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा जो है उसका किस पर्टिकुलर फील्ड्स में कहाँ का यूज होता है। ओके, तो इसी कंसर्न में हमने पढ़ा था लॉजिक गेट्स एंड और नॉट गेट। प्रीवियस सेशन में हमने डिफाइन किए थे। अब इस सेशन में हम जो एंड और नॉट बेसिक गेट्स हैं उनकी हेल्प से और गेट्स फर्दर ड्राइव करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ड्राइव गेट्स। वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट डू यू बाय ड्राइव्ड गेट्स। ओके, द लॉजिक गेट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक गेट्स लाइक एंड और नॉट गेट्स आर नोन एज ड्राइव गेट्स। द ड्राइव गेट्स हैज देयर ओन इंडिपेंडेंट सिम्बल्स ट्रुथ टेबल्स एंड बुलियन एक्सप्रेशंस। ओके, तो ड्राइव गेट्स में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नैंड गेट। ओके, नैंड गेट दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। ओके, मीन जो एंड गेट है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास नैंड गेट का आउटपुट आ जाएगा। इफ वी इन्वर्ट द लॉजिक ऑफ नैंड गेट देन इट विल बिकम अ नैंड गेट। ओके, ये सिंबल है इसका नैंड गेट का। यहाँ पे हमने यहाँ तक एंड का सिंबल है और यहाँ पे बबल यूज किया हुआ है। ओके, सो दिस सिंबल डिफाइंड नैंड गेट। सर यहाँ पे लिखा हुआ एंड प्लस नॉट मीन्स एंड गेट में अगर इन्वर्टर यूज करते हैं या नॉट गेट यूज करते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है। ओके, मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट। ओके, तो टेबल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे दो इनपुट्स हमारे पास हैं, एक एक्स एंड वाई। ओके, इन इनपुट्स के कॉम्बिनेशन के बना है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, इससे रिलेटेड जो आउटपुट है उसको हमें प्रेजेंट किया वेरिएबल जेड से। ओके, अगर सब दोनों इनपुट हमारे पास अगर इनपुट कॉम्बिनेशन जो 0 0 है तो इनपुट आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर 0 1 है 1, अगर 1 0 है तो 1, अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट आएगा 0। ओके, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। अगर यहाँ पे हम एंड गेट की टू टेबल डिस्कस करें, अगर ये एंड गेट की टेबल है। ओके, यहाँ पे क्या था, एंड गेट का जो आउटपुट आया था 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ पे जो टू टेबल हम देख पा रहे हैं, टू टेबल आउटपुट एंड गेट का यहाँ पे क्या था, तो मीन्स वहाँ फर्स्ट थ्री थ्री आउटपुट्स क्या थे, 0 0 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1, एंड लास्ट वाला जो एंड गेट के टेबल में आउटपुट 1 था वो यहाँ पे 0 है। ओके, इसे बोलते हैं हम दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट। ओके, दिस इज द लॉजिकल सर्किट ऑफ नैंड गेट। यहाँ पे दो इनपुट हमारे पास है, एक एक्स है और एक वाई है। ओके, तो यहाँ पे क्या हमने लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे जेड आएगा, जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी द आउटपुट फॉर दिस सर्किट। ओके, इसी सीरीज में हम नेक्स्ट गेट डिफाइन करेंगे यहाँ पे नॉर गेट। अभी डिस्कस किया था नैंड गेट, अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम नॉर गेट। ओके, नॉर गेट दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर गेट। इफ वी इन्वर्ट द लॉजिक ऑफ ऑर गेट देन इट विल बिकम अ नॉर गेट। ओके, मीन जो और गेट था उसका जो आउटपुट था अगर उसे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें नॉर गेट का जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और प्लस नॉट इम्प्लाइज नॉर। ओके, मीन जो हमारे पास और गेट था उसे हम एक नॉट गेट या इन्वर्टर यूज कर दें तो हमें नॉर गेट का इनपुट मिल जाएगा। ये सिंबल है यहाँ पे नॉर गेट का। अब भाई हमने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर इतना बात करें ये दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट, यहाँ पे बबल यूज कर लिया हमने। ओके, तो ये डिफाइन कर रहा है नॉर गेट को, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। यहाँ पे दो इनपुट्स हैं एक्स एंड वाई और जो आउटपुट है उसको हमने डिफाइन किया वेरिएबल जेड से। ओके, दीज आर द इनपुट कॉम्बिनेशंस 0 0, तो आउटपुट क्या आया हमारे पास 1 0 1 पे आउटपुट आया 0 1 0 पे आउटपुट आया 0 1 1 पे आया 0। ये जो हमारे पास पहले हमने और गेट पढ़ा था उसका जो आउटपुट था उसी का ये कॉम्प्लीमेंट है। और गेट में क्या था, अगर जो इनपुट कॉम्बिनेशंस गिवन है उसमें अगर सिंगल इनपुट अगर एक भी इनपुट 1 है तो वहाँ पे रिजल्ट क्या आता था हमारे पास, आउटपुट आता था 1 वहाँ पे आता था। और गेट के केस में, नॉर गेट के केस में क्या जस्ट अपोजिट है, तो क्या आ रहा है 0। क्लियर। नेक्स्ट, अगर वहाँ पे क्या था कि अगर दोनों इनपुट 1 1 थे तो वहाँ पे और गेट केस में हमारे पास आउटपुट आ रहा था 1, यहाँ पे आ रहा 0, जैसे हमने अभी जैसा डिफाइन किया हुआ था। ये और गेट की टेबल है। दिस इज द लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर नॉर गेट। दो इनपुट हमारे पास हैं एक्स एंड वाई, ये सिंबल है और गेट का। हमने बबल यूज कर दिया मीन्स एक इन्वर्टर यूज कर एड कर दिया यहाँ पे, तो
बन गया नॉर गेट। ओके, जेड इक्वल टू जो आउटपुट आया एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। ओके, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ और गेट। ओके, अगर और गेट का जो आउटपुट से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें मिल जाएगा नॉर गेट का आउटपुट। ओके, इसी सीरीज में हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पे एक्सक्लूसिव और या एक्जॉर गेट। ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और इज इन एक्सक्लूसिव और व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई द आउटपुट इज लो। ओके, दिस फैक्ट दिस कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सक्लूसिव और गेट। ओके, बट इन इंक्लूसिव और आउटपुट इज हाई। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और गेट। इन बूलियन अलजेब्रा द साइन दिस साइन स्टैंड फॉर द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। ओके, तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके टेबल हम डिजाइन करेंगे। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई, और इनपुट जेड को हमने डिफाइन किया हुआ है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। ओके, दीज आर द इनपुट कॉम्बिनेशंस। अगर इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 है तो आउटपुट आएगा 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 0। क्लियर? मीन्स अगर एक्सक्लूसिव आर गेट के केस में अगर दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट्स की वैल्यू अगर सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास 0। ओके, अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास 1 1। ओके, तो यहाँ पे हमने जिसका आउटपुट ऐसे डिफाइन किया जेड इक्वल टू एक्स बाई डैश प्लस एक्स बार बाई, इसको कंबाइंडली प्रेजेंट किया हमने एक्स एक्सक्लूसिव और बाई। ओके, एंड दिस इज द सिंबल सर्किट सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव और गेट। दिस इज द सिंबल ऑफ, ओके, यहाँ दो इनपुट्स हैं एक्स बाई एक्सक्लूसिव और, तो इनका जो आउटपुट हो गया जेड इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव आर सॉरी एक्स एक्सक्लूसिव और बाई ये दिस वन। ओके, इसी सीरीज में हम नेक्स्ट गेट डिफाइन करेंगे यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एन एक्सक्लूसिव और गेट फॉलोड बाई एन नॉट गेट। क्लियर? कि मीन जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट था उसमें हम एक नॉट गेट यूज कर दें या इन्वर्टर यूज कर दें तो बन जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, इसकी टू टेबल डिफाइन करेंगे। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई, उनका जो आउटपुट है दोनों उसको हमने डिफाइन किया वेरिएबल जेड से। ओके, जो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं 0 0 तो आउटपुट आया 1 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 1 पे 0। ओके, ये जस्ट अपोजिट है, जस्ट दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट। क्लियर? एक्सक्लूसिव और में क्या था कि अगर दोनों इनपुट सेम है मींस 0 0 थे तो वहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था 0। एक्सक्लूसिव नॉर में क्या ये आउटपुट आ रहा 1। ओके, अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट थे मीन्स एक 0 है और एक 1 है या एक 1 एक 0 है तो उस केस में यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा था 1 1 आ रहा था। क्लियर? यहाँ पे इस केस में क्या आ रहा है जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या आ रहा 0 0। ओके, तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, इसका जो सर्किट डायग्राम सिंबल उसे प्रिंट किया हुआ हमने, दो इनपुट्स है हमारे पास एक्स और वाई। ओके, ये सिंबल यहाँ पे यहाँ तो सेम है गेट एक्सक्लूसिव और का, यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर है या नैंड गेट, दिस जो बबल है प्रेजेंट कर रहा है नैंड गेट सॉरी नॉट गेट को, ये बबल जो है वो प्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को या इन्वर्टर को। तो जेड एक्सक्लूसिव नॉर बाई मीन्स सर्किल से बीच में एक डॉट लिया हुआ है। ओके, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जेड इक्वल टू एक्स बाई प्लस एक्स डैश बाई, उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म है जेड इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव नॉर बाई। ओके, सो दीज आर द डिराइव्ड लॉजिक गेट्स, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, हमने यहाँ पे डिस्कस किए। जनरली जो नैंड गेट और नॉर गेट है हम इन्हें यूनिवर्सल गेट से बोलते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल गेट मीन्स यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप्स। द नैंड एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स। ओके, मीन जो नैंड गेट है नॉर गेट, इनकी हेल्प से हम कोई बूलियन फंक्शन है वो हम यहाँ पे इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नैंड गेट और नॉर गेट को हम नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।